क्या आपने कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को सड़क पे चलते चलते एकदम से कोलैप्स होके गिरते हुए और हाथ में छेद वाली फोटो देखी है जिसको कोरोना वायरस का सिम्टम बताया जा रहा है, या फिर वो कोरोना वायरस फैलाने वाली वो चमगादड़ का सूप पीती हुई लड़की? ये सब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आप क्या सोचते हैं, ये सब सच है? इस वीडियो में इन्हीं सब र्यूमर्स का पर्दाफाश करूंगी, बने रहिए मेरे साथ एंड तक। कोई भी बड़ी न्यूज के र्यूमर्स तो फैलते ही हैं, चाहे वो लोगों की अवेयरनेस कम होने की वजह से हो या फिर कुछ लोगों की खुराफात सोच से फैलाए हुए र्यूमर्स हो। पर ये जानना कि कौन सी न्यूज सच है जो हमारे कानों में पड़ रही है और कौन सी न्यूज झूठ है यानी कि र्यूमर्स है, इसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। जिस कोरोना वायरस ने अब इंडिया में भी हाहाकार मचा दिया है, उसके बारे में भी मेरे सामने बहुत सारे र्यूमर्स आई हैं जिसकी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लेट्स बर्स्ट द मिथ्स अबाउट कोरोना वायरस। पहला र्यूमर जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि चाइना के वुहान में रहने वाली एक लड़की वैंग मियूंग से ये वायरस फैला है। इस बात में 100% सच्चाई नहीं है। दरअसल ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है और सोशल मीडिया पर एक ऑनलाइन ट्रैवल शो चलाती है। चाइना में लाख्स में उसके शो के फॉलोअर्स हैं और वो लेडी चाइना में कितनी फेमस है उसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि फोर्ब्स ने उसको टॉप 30 यंग एंटरप्रेन्योर्स में नॉमिनेट किया था। क्योंकि ये एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं तो एक वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पलाऊ नाम के एक आइलैंड पे शूटिंग के लिए गई थी। वहाँ के लोग चमगादड़ यानी कि बैट्स को खाते हैं और सूप बनाकर पीते हैं। बस वहीं की अपनी एक हरकत की वजह से ये इन र्यूमर्स का शिकार हो गई। वो अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती थी कि वहाँ के लोग कैसे चमगादड़ खाते हैं, इसलिए उन्होंने भी वहाँ बैट के सूप को पीने का अपना एक वीडियो शूट किया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये बैट का सूप पीना उनको कितना महंगा पड़ जाएगा। दूसरा र्यूमर, काफ़ी जगह सोशल मीडिया पर मैंने छेद वाले हाथों की फ़ोटो वायरल होती देखी है जो देखने में काफ़ी स्केरी है, और ये इस तरह सर्कुलेट की जा रही है जिससे कि लोगों में इसकी वजह से डर फैल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह की पिक्चर्स पे ट्रस्ट ना करें। कोरोना वायरस के सिम्टम्स इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं हैं। ये इस पिक्चर सिर्फ अटेंशन सीक करने के लिए सर्कुलेट की जा रही हैं। आप कोरोना वायरस के सिम्टम्स से अवेयर रहें। इसके सिम्टम्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। तीसरा र्यूमर जो लोगों को सबसे ज़्यादा डरा रहा है, मैं बात कर रही हूँ उन वीडियोस की जिसमें लोगों को एकदम अटैक्स आने से ज़मीन पे गिरते हुए दिखाया जा रहा है। इन र्यूमर्स में ऐसा बताया जा रहा है कि लोग रोड्स और स्ट्रीट्स पे मरे हुए मिल रहे हैं। पर ऐसी बातों पे आप विश्वास ना करें, इनमें ज़्यादातर र्यूमर्स होते हैं। कुछ शरारती लोग हैं हमारी सोसाइटी के जो इस तरह के र्यूमर्स को फैलाते हैं। कोरोना वायरस से सडन अटैक से डेथ नहीं होती है, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैलता है। हालांकि अगर टाइम पे मेडिकल एड मिल जाए तो इसका इलाज भी किया जा सकता है। चाइना में अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों का इलाज करके उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। चौथा र्यूमर ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस सामान छूने से भी फैल सकता है, और वहीं इंटरनेट पर भी तमाम लोगों ने इस सवाल को पूछा है कि क्या चाइना के वुहान या दूसरे हिस्से जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, वहाँ से एक्सपोर्टेड सामान को छूने से ये वायरस फैल सकता है। तो इसका जवाब ये है कि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं आया है जिसके बेसिस पे ये प्रूफ किया जा सके। ये बात इसीलिए भी र्यूमर्स की तरह सामने आ रही है क्योंकि साल 2003 में चाइना ने सार्स नाम के एक वायरस को टैकल किया था जिसमें दुनिया भर में 700 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। सार्स के केस में ये पाया गया था कि किसी चीज़ या जगह को अगर आप छूते हैं जहाँ पे इन्फेक्टेड इंसान ने खांसी या फिर छींक मारी हो तो ये वायरस आप तक पहुँच सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। अब तक कोरोना वायरस के मामले में ये बात सामने नहीं आई है, और अब तक जो केसेस देखने में आए हैं उसमें यही देखा गया है कि कोई इंसान इस वायरस से तभी इन्फेक्ट होता है जब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है। पाँचवा र्यूमर, एक मज़ेदार न्यूज़ जो कुछ दिन पहले वायरल हो रही थी कि चाइना इस वायरस पे वुहान शहर के पास लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहा था, और चाइना का मकसद था कि सही टाइम आने पर दूसरे देशों के खिलाफ इस वायरस को यूज़ किया जा सके, और गलती से ये वहीं फैल गया। मैंने जब इस टॉपिक पे रिसर्च की तो मेरे सामने ऐसी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ रिलायबल सोर्स से नहीं आई जिसमें ये प्रूव हो सके कि यह बात सच है। तो फ्रेंड्स, आप इन र्यूमर्स पे ट्रस्ट ना करें और रिलायबल सोर्सेज से दी गई न्यूज़ को ही रिलाय करें।
छठा र्यूमर एक फनी र्यूमर है जो सुनने में आया था कि कोरोना बियर पीने से भी वायरस फैलता है। हैट्स ऑफ टू दोस पीपल जो इतना खुराफाती सोचते हैं। ये र्यूमर ऐसे फैला इंडिया में कि कोरोना बियर की कंजम्पशन और डिमांड तक कम होगी इस र्यूमर को फैलने के बाद। सातवां र्यूमर, मैंने कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं कि वेजिटेरियन लोगों को ये वायरस नहीं फैलता। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनिशियल रिसर्च में ये जरूर सामने आया था कि ये वायरस सांप या चमगादड़ जैसे एनिमल से इंसानों में आया है, लेकिन अब ये कम्युनिकेबल होने की वजह से ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैल रहा है। तो आपकी ईटिंग प्रेफरेंस मैटर नहीं करती हैं। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये वायरस आपको हो सकता है। किसी पर्टिकुलर टाइप के खाना खाने से ये नहीं होता। जो भी फूड आपके रेगुलर डाइट का पार्ट है आप बेफिक्र होके खाइए। आठवां, एक र्यूमर कोरोना वायरस जब शुरू में फैला था उस टाइम सुनने में आया था कि इंडिया में तमिलनाडु में किसी डॉक्टर ने ये क्लेम किया है कि उनके पास हर्बल मेडिसिन के फॉर्म में कोरोना वायरस का तोड़ है। ऐसी किसी भी तरह की न्यूज़ पे दूर दूर तक रिलाय करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अप्रूव नहीं किया है। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि थाईलैंड ने इसका तोड़ निकाल लिया है। थाईलैंड के डॉक्टर्स ने HIV एड्स और फ्लू के ड्रग्स का कॉकटेल कॉम्बिनेशन बनाया और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अब इस ड्रग को चाइनीज हेल्थ अथॉरिटी से बात करके वुहान के मरीजों पर अप्लाई करने की बात हो रही है। लास्ट में आपसे यही कहूंगी कि आप किसी भी टाइप के र्यूमर्स पे बिलीव ना करें और डर के रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर के आसपास या फिर कभी ट्रैवल करते हुए या कभी मास्क पहने हुए कोई चाइनीज़ दिख जाए तो उसको शक की निगाह से मत देखिएगा, क्योंकि जो भी कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उनको आइसोलेशन या फिर क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स एंड बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन अबाउट कोरोना वायरस। भारत में कोरोना वायरस की जागरूकता की मुहिम में मेरा हिस्सेदार बनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने भी मेरे बताए गए र्यूमर्स को कहीं सुना था या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखा था तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोरोना वायरस की अवेयरनेस फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए, इसमें मेरी हेल्प करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग इन र्यूमर्स पे बिलीव ना करें और कोरोना वायरस के डेडली रूप को समझें और अपना ध्यान रखें। दोस्तों, कोरोना वायरस पे मेरी 8वीं वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने कोरोना वायरस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फैक्ट उसके सारे बताए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उनको भी आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल रंग का बटन है, उसको दबा के मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें। शेयर दिस वीडियो इफ़ यू केयर फॉर ह्यूमन लाइफ।